वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है, पॉवर्टी स्टिग्मा फोर्स मैन टू डंप वाइफ्स बॉडी ऑन रोड साइड। देखिए, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, स्टिग्मा का मतलब होता है गाइस लांछन या कलंक, मतलब कि आ मार्क ऑफ शेम, जिससे आपकी बदनामी हो, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो जेल गया, अब जेल जाने के बाद वो वापस आया, तो उस पर जेल जाने का जो लाइक कलंक है वो हमेशा रहेगा, जिससे उसकी बदनामी होती रहेगी, है ना। दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। तो पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है और जो स्टिग्मा है, जो कलंक है, लांछन है, इस चीज़ ने क्या कर दिया, फोर्स कर दिया। फोर्स का मतलब है किसी को मजबूर कर देना। तो फोर्स कर दिया मैन आदमी को क्या करने के लिए, टू डंप, तो डंप करने के लिए। डंप को मतलब है किसी चीज़ को कहीं पे फेंक देना या निपटा देने को डंप कहते हैं। तो डंप करने को मजबूर कर दिया, किस चीज़ को डंप करना, वाइफ्स बॉडी, तो वाइफ के बॉडी को, शव को कहाँ पे, ऑन रोड साइड, तो रोड साइड में फेंकने पर मजबूर कर दिया किसने, पॉवर्टी में गरीबी और जो स्टिग्मा है, जो यू नो जो लांछन या कलंक है, उस चीज़ ने आदमी को मजबूर कर दिया वाइफ के बॉडी को फेंक डंप करने के लिए कहाँ पे, रोड साइड में। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट ऑफ अ बॉलीवुड फ्लिक बट अ रियल लाइफ ट्रेजेडी फेस्ड बाय अ 55 ईयर ओल्ड मैन इन चंदन नगर ऑफ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द स्टेट विच ऑल्सो बोस्ट टू बी मिनी मुंबई। देखिए, इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट, तो ये एक स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट का मतलब है पटकथा, किसी मूवी का जो लाइक यू नो जो लेखन होता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट, किस चीज़ का, एक बॉलीवुड फ्लिक का। फ्लिक का बेसिक मीनिंग होता है इस मूवी, तो ये कोई बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, बट लेकिन क्या है, एक रियल लाइफ, तो रियल लाइफ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब है दुखद घटना, फेस बाय, जिसको फेस किया गया है, मतलब जिसको सामना किया गया है, मतलब किसने सामना किया है इस चीज़ को, एक 55 ईयर ओल्ड मैन ने, कहाँ पे, इन चंदन नगर। अब ये जो चंदन नगर है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ऑफ द कमर्शियल कैपिटल, तो ये कमर्शियल कैपिटल है ऑफ द स्टेट, तो राज्य का कमर्शियल कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल का मतलब है वाणिज्यिक केंद्र, विच ऑल्सो बोस्ट, तो ये जो कैपिटल, मतलब ये जो लाइक यू नो ये जो जगह है, विच ऑल्सो बोस्ट, तो ये बोस्ट करता है। बोस्ट का मतलब है डींगे मारना या खुद का प्रशंसा करने को बोस्ट करना कहते हैं। टू बी, तो होने का प्रशंसा करता है या डींगे मारता है, किस चीज़ का, मिनी मुंबई। तो इस नगर को मिनी मुंबई, मतलब कि छोटा मुंबई भी कहा जाता है। तो इस यहाँ के एक 55 साल के आदमी के द्वारा इस ट्रेजेडी को, इस दुखद घटने को फेस किया गया, मतलब कि उसने फेस किया है। द हार्ट ब्रेकिंग रियालिटी केम टू द फोर वैन सिटी पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ एन अबैंडन डीकम्पोज बॉडी ऑफ एन ओल्ड वुमन रैप्ड इन। देखिए, द हार्ट ब्रेकिंग रियालिटी, तो ये जो रियालिटी है, ये जो वास्तविकता है, जो कि क्या है, हार्ट ब्रेकिंग है। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब जो आपके दिल को रुला दे, या यू नो शुद्ध हिंदी में बोले तो हृदय विदारक। तो ये जो हार्ट ब्रेकिंग रियालिटी है, ये केम टू, ये मतलब कि आया था टू द फोर, मतलब सामने, टू द फोर मतलब सामने आया था, वैन कवरेज, जब जो सिटी पुलिस है उसने स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था इन्वेस्टिगेटिंग, तो इन्वेस्टिगेट करना द केस, उस केस को। अब किस केस को, एक अबैंडन डीकम्पोज बॉडी के केस को। अबैंडन का मतलब है जिसको छोड़ दिया गया हो, जिसको लाइक त्याग दिया गया हो, है ना। अबैंडन का मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना हमेशा के लिए। तो एक अबैंडन मतलब छोड़ा गया जो डीकम्पोज बॉडी है, डीकम्पोज का मतलब जो लाइक जो सड़ रहा है ना, जो डीकम्पोज हो रहा है। तो डीकम्पोज बॉडी किस चीज़ का, ऑफ एन ओल्ड वुमन, तो एक बूढ़ी महिला का, व्रैप डिम, जो कि लिपटा हुआ है, इन अ क्लॉथ, तो एक कपड़े में। अब तो ये जो बॉडी है, डीकम्पोज बॉडी, जिसको अबैंडन कर दिया गया है, तो ये बॉडी जो कि लिपटा हुआ है, व्रैप्ड है, इन अ क्लॉथ, तो इस एक क्लॉथ में, एक कपड़े में इसको पाया गया, फाउंड किया गया, इन अ सैक, तो एक सैक, सैक का मतलब बोरे में। कब, ऑन संडे मॉर्निंग, तो संडे मॉर्निंग में इस बॉडी को, जो कि डीकम्पोज हुआ है, मतलब कि जो डीकम्पोज बॉडी है और जिसको अबैंडन कर दिया गया, तो इसको पाया गया, फाउंड किया गया, एक बोरे में, इन अ सैक। कब, संडे मॉर्निंग को। तब ये जो यू नो ये जो रियलिटी है, ये क्या हुआ, केम टू द फोर, मतलब सामने आया। द डिसीज वॉज आइडेंटिफाइड एज 57 ईयर ओल्ड आशा नारगावे, अ नेटिव ऑफ बारवानी डिस्ट्रिक्ट, एंड वॉज स्टेइंग ऑन अ रेंट इन राजकुमार नगर बैंक विलेज धार रोड। देखिए, द डिसीज्ड का मतलब है मृतक, जिसकी मौत हुई है। तो डिसीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड, तो उसकी पहचान करी गई है, ये पैसिव वॉइस है, एज कमिंस के रूप में, तो 57 ईयर ओल्ड आशा नार गावे के रूप में पहचाना गया है, जो कि एक नेटिव है। नेटिव का मतलब मूल निवासी, कहीं की रहने वाली। तो नेटिव कहाँ की है, ऑफ बारवानी डिस्ट्रिक्ट की। एंड वॉज स्टेइंग, और ये जो थी
ये स्टे कर रही थी, मतलब ये रुकी हुई थी या ठहरी हुई थी या रह रही थी ऑन अ रेंट, तो किराए पर, कहाँ पे? इन राजकुमार नगर में, जो कि अब डिटेल दिया है राजकुमार नगर बैंक विलेज धार रोड, तो यहाँ पे वो क्या कर रही थी, रेंट में रह रही थी या ठहरी हुई थी या यू नो लिव कर रही थी। द वुमेन्स हस्बैंड मदन नारगावे टोल्ड अबाउट हिज ऑर्डियल टू द पुलिस दैट हिज वाइफ हैड डाइड ड्यू टू सम इलनेस एंड एक्सेसिव हीट ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ वेंसडे एंड थर्सडे। देखिए द वुमेन्स, तो वुमेन के मतलब की जो महिला का जो हस्बैंड है जिनका नाम बताया जा रहा है मदन नारगावे, उन्होंने क्या किया, टोल्ड किया, बताया किसको, अबाउट हिज ऑर्डियल, अबाउट गाइस बारे में, हिज मतलब उसके ऑर्डियल के बारे में, ऑर्डियल का मतलब गाइस जो उसका जो यू नो दुख भरा जो एक्सपीरियंस है, जो दुख भरी कहानी है, उसको बताया किसको, टू द पुलिस, तो पुलिस को बताया, क्या बताया, दैट की हिज वाइफ की उसकी जो पत्नी थी हैड डाइड, वो डाइड हो चुकी थी, मतलब कि उसका निधन हो चुका था ड्यू टू कमलेस किसी कारण के कारण या किसी कारण, तो किस कारण से, सम तो कुछ इलनेस में की बीमारी के कारण से, और किस कारण से, एक्सेसिव काम लगी बहुत ज़्यादा या अत्यधिक जो हीट है गर्मी है उसके कारण से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। कब हुई थी, ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, इंटरवीनिंग काम लगी बीच की, तो बीच की जो नाइट है वेंसडे और थर्सडे के बीच का जो नाइट है, मतलब जो वेंसडे है उसके बाद होने वाला है क्या थर्सडे, तो उसके बीच के नाइट को उसकी पत्नी की मौत हुई थी, किस कारण से, इलनेस के कारण से और एक्सेसिव उनकी बहुत ज़्यादा हीट उनकी गर्मी के नाम से। ही फेल्ट अशेम, अब देखिए उसने क्या किया, उसने महसूस किया अशेम की, शर्मिंदा महसूस किया, मतलब कि उसको यू नो थोड़ा शर्म थोड़ा अशेम महसूस हुआ। टू इन्फॉर्म सोसाइटी, तो देखिए सोसाइटी को मतलब समाज को इन्फॉर्म करने के लिए उसको अशेम्ड महसूस हुआ, उसको लाइक वो शर्मिंदा महसूस किया उसने, अबाउट हिज वाइफ, अब देखिए किस बारे में इन्फॉर्म करना सोसाइटी को, अबाउट his wife's death, तो उसके wife के death के बारे में, as क्योंकि जो talks है, मतलब कि जो you know जो talks है, जो बातचीत है, would center around, वो क्या करेगा, center around करेगा, मतलब कि वो केंद्र में लाएगा किसको, about him, मतलब कि वो उसके around you know जो talks है वो बात चलेगा, मतलब उसके आसपास, उसके बीच में, मतलब कि उसके बारे में बात किया जाएगा। not having, अब देखिए किस बारे में, not having enough money, कि इतना पैसा ना होने का, to perform, ताकि perform किया जा सके her final rites, तो उसका जो अंतिम संस्कार है उसको ना करने के लिए, मतलब कि ना कर पाने के लिए, जो इनफ मनी है, पर्याप्त मनी है, उसको ना होने के लिए, देखिए उसने अशेम महसूस किया किस चीज में, इन्फॉर्म करने से अशेम महसूस किया सोसाइटी को, किस बारे में, उसके पत्नी के डेथ के बारे में, क्योंकि जो बातचीत है वो उसके सेंटर करेगा, मतलब उसके इर्द गिर्द बात चलेगी, किस चीज़ के बारे में बात होगी, नॉट हैविंग इनफ मनी, कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके किस चीज़ को, हर फाइनल राइट्स, तो उसके अंतिम संस्कार को। सो इसलिए ही केप्ट द बॉडी एट होम, तो इसलिए उसने क्या किया, कीप किया, कीप मतलब रखना, कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट, तो बॉडी को रखा एट होम, तो घर पर रखा, फॉर 3 days, तो 3 दिनों तक बॉडी को, शव को घर पर रखा। बट वेन अ स्टेंच स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द बॉडी, नेबर्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फॉल स्मेल विच फोर्स्ड हिम टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। देखिए बट लेकिन वैन, मतलब कि जब एक जो स्टेंच है, स्टेंच का मतलब है बहुत ही गंदा स्मेल, तो एक जो जो स्टेंच है, जो बदबू है, स्टार्टेड कमिंग, वो आना शुरू कर दिया कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से स्टेंच आना शुरू कर दिया, मतलब कि बहुत ही गंदा स्मेल आना शुरू कर दिया, तो जो नेबर्स थे, मतलब कि जो पड़ोसी थे, स्टार्टेड उन लोगों ने शुरू कर दी टॉकिंग, बात करना अबाउट द फॉल स्मेल, तो ये जो फॉल स्मेल है, फॉल का मतलब बहुत ही दुर्गंध है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल, तो जो फॉल स्मेल है उसके बारे में बात करना चालू कर दिया। विच फोर्स हिम, अब इस चीज ने उसको मजबूर कर दिया, फोर्स हिम क्या करने के लिए मजबूर कर दिया, डिस्पोज ऑफ द बॉडी, तो जो बॉडी है, जो शव है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। डिस्पोज ऑफ का मतलब है किसी को कहीं पे निपटा देने को, फेंक देने को डिस्पोज करना कहते हैं। तो इस चीज ने, जब नेबर्स ने क्या कर दिया, बात करना चालू कर दिया इस गंदे स्मेल के बारे में, तब उसको इस चीज ने उसको मजबूर कर दिया कि वो बॉडी को उसने क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब निपटा दिया, फेंक दिया। ही रैप द बॉडी इन अ सारी, पुट इट इन अ सैक एंड देन कैरीड द सैक ऑन हिज शोल्डर एंड डम्प द बॉडी अक्रॉस द रोड अप्रॉक्सिमेटली 200 meters अवे फ्रॉम हिज हाउस एंड वेंट टू सिट इन अ गार्डन एट राज मोहल्ला एज ही वॉज फिल्ड विथ रिमोर्स एट वॉट ही हैड डन। देखिए ही रैप, तो उसने क्या किया, रैप किया, रैप का मतलब लपेटना, तो लपेटा द बॉडी, तो जो शव है उसको लपेटा इन अ साड़ी, तो एक साड़ी में लपेटा, पुट इट, और इसको पुट कर दिया, डाल दिया इन अ सैक, तो एक बोरे में डाल दिया, एंड देन फिर क्या किया, कैरीड, कैरी का मतलब है किसी चीज को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, कैरी करना, और कैरी किया द सैक, उस बोरे को कैरी किया ऑन हिज शोल्डर, तो अपने शोल्डर में रखा, कैरी किया, एंड डम्प द बॉडी, और बॉडी को क्या कर दिया, फेंक दिया अक्रॉस
क्रॉस द रोड, तो रोड के उस पार फेंक दिया। अप्रॉक्सिमेटली का मतलब लगभग 200 मीटर्स अवे, तो लगभग 200 मीटर अवे कहाँ से, फ्रॉम हिज हाउस, तो उसके घर से। एंड वेंट और चला गया टू सेट, तो बैठने के लिए कहाँ पे, इन अ गार्डन, तो एक गार्डन में। अब ये गार्डन कहाँ पे है, एडराज मोहल्ला पे है। अब क्यों एस यहाँ पे क्योंकि किस सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि ही वॉज फिल्ड, क्योंकि वो भरा हुआ था किस चीज से, विथ रिमोर्स से। रिमोर्स का मतलब इस पछतावा है ना, तो वो रिग्रेट या रिमोर्स से भरा हुआ था किस चीज़ पर, एट व्हाट ही हैड डन, कि उसने जो किया था उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, वो पछतावे से मतलब कि रिमोर्स से वो भरा हुआ था, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा था है ना, जिस जो चीज़ उसने किया था उस चीज़ पे उसको बहुत ज़्यादा रिमोर्स या रिग्रेट महसूस हो रहा था। इनिशली व्हेन द बॉडी वॉज फाउंड आउटसाइड अ हाउस, देखिए इनिशली काम स्टार्टिंग में, शुरुआत में, व्हेन जब द बॉडी, जो बॉडी है, जो शव है, वॉज फाउंड, जब उसको पाया गया, पैसिव वॉइस है, आउटसाइड काम बाहर, तो किसके बाहर, अ हाउस, तो एक घर के बाहर पाया गया। पैनिक ग्रिप द अहमदनगर एरिया इन चंदननगर पुलिस सर्कल, तो देखिए जब बॉडी को इनिशियली यू नो एक घर के बाहर पाया गया, तो जो पैनिक है, पैनिक का मतलब यू नो एकदम डर का माहौल है ना, थोड़ा लाइक यू नो भय का माहौल, तो पैनिक ने क्या कर लिया, ग्रिप कर लिया, ग्रिप का मतलब जकड़ लेना, कहाँ पे, द अहमदनगर एरिया में, तो अहमद जो नगर एरिया है वहाँ पे पैनिक फैल गया। अब ये एरिया कहाँ पे है, इन चंदननगर पुलिस सर्कल में ये एरिया है, तो यहाँ पे पैनिक फैल गया। द पुलिस रीच द स्पॉट, और जो पुलिस है वो रीच करीब की पहुंची द स्पॉट, तो उस घटना स्थल पे पहुंची, एंड अनकवर द बॉडी, और बॉडी को अनकवर किया, मतलब वो ढका हुआ था उसको अनकवर किया, मतलब उसको खोला। ACP नंदिनी शर्मा सेड दैट अ FSL टीम एंड स्निफर डॉग वर कॉल्ड टू गैदर एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेट द केस थरली। देखिए जो ACP नंदिनी शर्मा है उन्होंने क्या किया, सेड कहा दैट कि एक जो FSL टीम है और क्या एंड स्निफर डॉग, और जो स्निफर डॉग है जो सूंघने वाले जो कुत्ते होते हैं जो स्निफ करते हैं, वर कॉल्ड, उसको क्या किया गया, इन टीम को बुलाया गया, क्या करने के लिए, गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, गैदर मतलब इकट्ठा करना, क्या एविडेंस मतलब सबूत, एंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए द केस, इस केस को थरली का मतलब है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में, तो थरली इसको जांच करने के लिए एक टीम को क्या किया गया, बुलाया गया। देयर वर नो एक्सटर्नल इंजरी, अब देखिए कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, तो बाहरी इंजरी मार्क्स की जो यू नो चोट के जो निशान थे वो नहीं थे ऑन हर बॉडी, उसके बॉडी में। एंड इनिशियली और शुरुआत में मतलब कि इनिशियली स्टार्टिंग में इट वॉज सस्पेक्टेड, तो ये शक किया जा रहा था, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा था दैट कि द वुमेन की जो महिला है वॉज मर्डर, कि उसको उसकी मर्डर की गई है, ऐसा शुरुआत में सस्पेक्ट किया गया था। बट लेकिन विद इन 6 आवर, लेकिन 6 घंटों के भीतर ही, अब 6 घंटा किसी चीज के, ऑफ द इंसिडेंट, तो उस घटने के 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने क्या किया, डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोज का मतलब खुलासा करना किसी चीज का, तो पुलिस ने डिस्क्लोज किया दैट कि इट वॉज अ डेथ, तो ये डेथ था मतलब कि मौत था ड्यू टू मतलब कि के कारण से, तो सम इलनेस, तो कुछ बीमारी के कारण से। एंड द बॉडी, और जो बॉडी है वॉज डम, उसको डम कर दिया गया बाय हर हस्बैंड, तो उसके हस्बैंड के द्वारा बॉडी को डम कर दिया गया, ऐसा पुलिस ने क्या किया, डिस्क्लोज किया, मतलब कि खुलासा किया। However, to know the exact cause of the death, police sent the body for autopsy examination. देखिए however का सेंस होता है हालांकि, to know मतलब कि जानने के लिए, क्या the exact cause, तो जो exact मतलब कि जो exact सटीक जो कारण है, cause है of the death मतलब कि मौत का जो exact cause है उसको जानने के लिए हालांकि पुलिस ने क्या कर दिया, सेंड कर दिया, भेज दिया द बॉडी, तो बॉडी को किस चीज़ के लिए, फॉर अटॉप्सी एग्जामिनेशन। अटॉप्सी का मतलब जो सौ का जो यू नो जाँच होता है, डेड बॉडी का जो जाँच होता है उसको अटॉप्सी बोलते हैं, तो अटॉप्सी एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को पुलिस ने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। सो दिस इज द न्यूज गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज चंदन खरे, आई बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।